लेते हैं ना। मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मेरा नाम गिरीश शर्मा है। मैंने इस फिल्म में ना केवल एक अभिनेता की तरह काम किया है बस, और इस फिल्म का मैंने जो थीम सॉन्ग है वो गाया है, लिखा है, कंपोज किया है। मैं एक एक्टर हूँ और सिंगर सॉन्ग राइटर हूँ, और एक आर्टिस्ट के लिए एक ऐसा बैनर मिलना और जहाँ पर वो अपने सारे टैलेंट शोकेस कर सकता है, तो आई वुड से इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। कहते हैं कि एक ज़िंदगी सपने की तरह होती है और सपनों की एक हकीकत है कि वो सच हो जाते हैं। तो आई एम सो ग्लैड कि मेरा ये सपना सच हो रहा है, एंड इट्स एन ऑनर टू वर्क विद संजय कपूर सर। एंड सौमित्र मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उनके साथ मैंने काफ़ी और प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, एंड होप फॉर द बेस्ट। आई एम श्योर आप लोगों को ये फिल्म पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। इस फिल्म का एक ही थीम सॉन्ग है और वो एक्चुअली पहले था भी नहीं, तो सौमित्र को प्रपोज़ किया, उसको आइडिया बहुत अच्छा लगा, गाना बहुत अच्छा लगा, टीम को बहुत अच्छा लगा, एंड गाने का नाम है चालबाजी, रिलीज़ हो चुका है, आप बिल्कुल सुनिएगा। थैंक यू, थैंक यू। यार मैंने सीख लिया है कि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखो, क्योंकि फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग बनी है। हमने काफ़ी टाइम पहले, थोड़े टाइम पहले एक्चुअली शूट की थी, तो लेट हो गई। बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, बहुत सौमित्र ने बहुत अच्छा काम किया है एज ए डायरेक्टर, सब ने एक्चुअली बहुत अच्छा काम किया है, संजय सर इज है। एक्साइटमेंट है कि फाइनली यू नो एक फिल्म रिलीज होती है हमारी, एंड एक्सपेक्टेशन की जहाँ तक बात है, आई होप ऑडियंसेस को अच्छी लगे। बहुत मेहनत करके ये फिल्म बनाई, हर फिल्म मेहनत से ही बनती है, बट थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी यू नो इंट्रीगिंग है, इंटरेस्टिंग है, तो होपफुली इट विल बी वेरी गुड एंड ऑडियंस विल एक्सेप्ट इट। थैंक यू। क्या कहना चाहिए?
छलांग तो मैंने बहुत पहले फिल्म में लगा दी थी नसीर साहब के साथ द वॉलेट, और डॉक्यूमेंट्री मैंने एक ही बनाई, और ये मेरी पहली टेक्निकली पहली फीचर फिल्म है जिसमें मैंने बहुत मेहनत करी है, और आज काफ़ी समय बाद ये फिल्म रिलीज़ हो रही है Z5 पे, और सभी एक्टर, सभी टेक्नीशियन, सभी HODs, संजय सर, यहाँ की जो हमारे प्रोड्यूसर साहब जो थे अजय कुमार गुप्ता जी वो अब नहीं रहे, मेरी माँ और ऋतुराज जी, सबका सपोर्ट है, सबका आशीर्वाद, सबका प्यार है, एंड आप लोग का भी है, मीडिया का भी है, रितेश जी का स्पेशली है, बस मेहनत है, आप लोग देखिए बताइए रंग लाएगी नहीं। जी जी अच्छा, मुझे लगा मैं ऑलरेडी हूँ मैं हूँ पता नहीं सर, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ, अब लोगों को पसंद आएगी तो अच्छी बात है, नहीं आएगी तो फिर कोशिश करूँगा। संजय सर का मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वो एक मतलब बाकी भी हैं लोग बट संजय सर ने हमेशा सपोर्ट किया है, अपडेट लिया है, और कोशिश भी करी है कि फिल्म एक अच्छी जगह जाए, अच्छे लोगों के पास पहुँचे और लोग देखें, एंड लाइक बड़े भाई जैसे उन्होंने मेरी हेल्प की। यह टर्न्स एंड ट्विस्ट है फिल्म में, और कमर्शियल फिल्म है, और मर्डर मिस्ट्री है कि एल्बर्ट पिंटो को किसने मारा, तो देखिए कि उसी घर में, एक ही घर में इतने लोग हैं जो सस्पेक्ट्स हैं लेकिन हम बता नहीं सकते कौन, तो प्लीज़ Z5 पे 31 मई को फिल्म देखिए आप लोग। थैंक यू। Yeah, you're the one.
बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने किया और फिल्म का 300 हम लोग तो फिल्म का म्यूजिक का दारा वगैरह हम लोगों के
मेरा दोस्त है सोम, बहुत अच्छा लड़का है। अभी फोटो खींचा उसके बाद सर देना भाई मेरी तारीफ करेंगे। You want to sit here? इज़ अ वेरी इनक्रेडिबल गाय एंड मुझे उससे ट्रेलर दिखाया था परसों इसने मुझे ट्रेलर दिखाया एंड आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड और मुझे लगता है काफ़ी प्रॉमिसिंग होगी ये फिल्म। सो आई एम जस्ट हियर टू विश हिम टू गिव हिम माय बेस्ट विशेस एंड हग्स। मैं यार बहुत शिद्दत से देखने आया हूँ ताकि टाइम पे पहुँच गया हूँ, इसीलिए आप सबका वेट करते करते और लेबल तो मैं ही संभाल लेता हूँ। किसका कौन सा दिख रहा है भाई देख लो। हाँ बहुत जगह नहीं छोड़ी बट हाँ आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हाउस ऑफ फ्लाइज सौमित्रा की फिल्म है एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। आई हर्ड बहुत अच्छी बातें सुनी है मैंने तो अब तो देखने के बाद आप सबसे मुलाकात होगी तो बताऊंगा कैसी। हेलो 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 बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत मेहनत की हम सब लोगों ने ऐसा फील करके काम किया कि जैसे हमारी अपनी ये एक फिल्म है। मेरा कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग था, आई एम प्लेइंग इन ईडी और थोड़ा थोड़ा जैसा मेरा और संजय का टिप है फिल्म में एंड
it has been a great journey and I love working with this director. He's amazing. मतलब इतना smoothly सारा काम हो गया और बड़ा मजा आया. I'm very very excited. Thank you. संजय वेरी कंफर्टेबल. मतलब मेरे ज़्यादातर सीन्स संजय के साथ ही थे और बहुत कंफर्टेबल. मतलब ऐसे लगा नहीं कि मतलब वी आर वर्किंग विद अ सेलिब्रिटी. तो बहुत कंफर्टेबल उन्होंने फील करवाया. हम लोग सीन्स क्रिएट करते थे साथ में और अब ऐसे करना है वैसे करना है. तो मतलब बहुत अच्छा और स्मूथली सारा का सारा निकल गया और बहुत अच्छा काम हुआ है. Sanjay sir's film and we have a web series coming up, so you know, working with Sanjay sir, having him in our web series, it was a wonderful opportunity, so I'm very excited to see this film as well. Thank you.
अगर मैंने सस्पेक्ट बता दिया तो पूरी फिल्म का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ हैं, आई होप आप सब फिल्म देखेंगे, और जितना सस्पेंस हम सबको था कि सस्पेक्ट कौन है, उतना ही आपको भी होगा कि सस्पेक्ट आखिर है कौन। पता नहीं, ये भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। बहुत मज़ा है एक्चुअली यंग डायरेक्टर्स के साथ काम करने का, बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज वो एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ काम करते हैं, और सौमित्र की वो बहुत अच्छी बात है कि कोलैबोरेटिव अप्रोच में हमने काम किया। इनफैक्ट हमने ये फिल्म कोविड के दौरान शूट की थी, और उसके बावजूद भी, सारी मुश्किलों के बाद भी, एकदम एज अ फैमिली हम सब ने इस पर काम किया, एंड आई एम सो हैप्पी दैट द फिल्म इज़ रिलीजिंग। थैंक यू।
मैं बहुत डरी भी हूँ पर बहुत एक्साइटेड भी हूँ कि इस मोड पे 20 साल बाद मैं वापस आ रही हूँ और किरदार भी सौमित्र ने इतना अच्छा लिखा है और डायरेक्ट किया है कि आपको भी मज़ा आएगा, मुझे निभाने में भी बहुत मज़ा आया। संजय कपूर जी इज टू मच फन, मतलब ही इज़ ऑलवेज स्माइलिंग एंड ही इज़ ऑलवेज मेकिंग एवरीवन फील कंफर्टेबल। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि उनके साथ काम करने का, ऋतुराज जी के साथ काम करने का और इस फुल यूनिट के साथ काम करने का मौका हमें तब मिला जब लोग काम नहीं कर रहे थे कोविड के वक्त। मैं ये कहना चाहूँगा कि सिमरन और सौम ने क्या काम किया, इससे अच्छा काम किसी का नहीं है और मज़ा आ गया। नो बट जोक्स अपार्ट, नॉट जस्ट बिकॉज आई नो देम, मैंने ट्रेलर देखा, मुझे बहुत स्लिक लगा, मुझे थ्रिल जो आया वो डायरेक्शन में से निकल के आया एंड द राइटिंग इज़ अमेजिंग। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि कितने अच्छे से ये बनी है, मैं जानना चाहता हूँ। एंड Z5 पे मेरी खुद की फिल्म आ चुकी है, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। अभी को बुलाऊंगा, सब बता दूंगा। बस आई एम हियर टू सपोर्ट माय फ्रेंड सिमरन, जिन्होंने बहुत अच्छा किरदार किया है मूवी में। लेट्स सी, मूवी के बाद हम आपको अच्छे रिव्यूज देंगे। थैंक यू। सोम को मुझे जाने में आई थिंक 2.5-3 साल हो चुके हैं एंड नाउ इज़ अ बिग मैन, इज़ अ बिट एक्सपेंसिव, सो आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। मैं बस इतना जानती हूँ वो बहुत मेहनती है एंड ये तो होना ही था एक दिन, सो आई जस्ट विश हिम बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस मूवी विच इज़ अल्टीमेटली अ ब्लॉकबस्टर, आई नो दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Yeah.
already and the trailer is so good, so captivating. मेरा personally बहुत favorite genre है जहाँ पे investigation हो और बहुत कुछ हो और संजय कपूर सर की you know it's his you know film, so I'm very very excited to watch. Also my friend Soumitra, he's directed the film and I'm very happy for him. मैंने उसका previous काम देखा हुआ है और मैं बहुत excited हूँ and I'm definitely sure that it's going to be a big hit. Thank you. मित्र के साथ एक बहुत प्यारी फिल्म की थी द वॉलेट. उसके बाद से सौमित्र की जर्नी देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत और बहुत ही इम्प्रेसिव जर्नी है एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. आई एम श्योर बहुत अच्छी फिल्म होगी. थैंक यू. हाँ जी, बहुत सारा काम किया है काफ़ी समय से और कुछ फिल्में हैं जो इस साल रिलीज़ होंगी. लास्ट ईयर शूट किया था, इस साल रिलीज़ होंगी. थैंक यू. वाइट क्या दे रहे हैं यार, बोलो क्या देना चाहेंगे हाउस ऑफ लाइंस के बारे में. बस अभी ये सब सस्पेक्ट है, सबको पकड़ने आया हूँ मैं. अभी पता चल जाएगा दो घंटे में कि कौन है
खूनी कौन है? No, it's been very nice and it's all because of him, because unfortunately this picture got a little stuck for few months because the producer passed away, but thanks to the director, his passion for the film and to release it, today we are seeing this day, so I'm very, very happy. As an actor, when you do a film, you give your best shot and you just hope कि जैसे हाल ही में मेरी मर्डर मुबारक लगी या मेरी क्रिसमस लगी, आई एम श्योर कि पीपल विल लाइक माय वर्क इन दिस एंड दे लाइक द फिल्म आल्सो। वेल प्रिपरेशन, या इट्स वाज इंटरेस्टिंग टू बी ऑन द अदर साइड। मर्डर मुबारक में मैं सस्पेक्ट था, यहाँ पे मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ, समथिंग डिफरेंट टू डू। Right now it's only about House of Lights. Soumitra and I think, you know, started my career together, and I remember tab Soum, you know, used to assist a director, and bahut acha lag raha hai. Soumitra has done really, really well, and I would like to congratulate the entire cast and the crew of House of Lies. Maine actually abhi trailer dekha hai and bahut acha lag raha hai trailer, so I'm looking forward to watch the entire show. Thank you.